नमस्कार दोस्तों, यथार्थ एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, सोशल वर्क के इस लेक्चर में आज हम लोग दो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो व्यक्तिगत सेवा कार्य के पार्ट हैं और इससे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं सेवार्थी कर्ता संबंध, और उसी से संबंधित है सेवार्थी कर्ता संबंधों से रिलेटेड सिद्धांत। ठीक है, ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है सेवार्थी कार्यकर्ता संबंध। अब इस पे विश्लेषणात्मक प्रश्न ही ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछ लिया कि व्यक्तिगत सेवा कार्य में सेवार्थी कर्ता संबंधों के बारे में आप क्या जानते हैं, एक्सप्लेन कीजिए, या कई बार पूछ सकता है कि सेवार्थी कर्ता संबंध जो है व्यक्तिगत सेवा कार्य का मूल है। ठीक है, तो सबसे पहले तो सेवार्थी कर्ता संबंध से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे, इंट्रोडक्शन में आप एक छोटी सी परिभाषा के साथ इसकी शुरुआत करेंगे कि व्यक्तिगत सेवा कार्य क्या है। वैज्ञानिक ज्ञान तथा मानवीय संबंधों की निपुणता पर आधारित एक व्यावसायिक सेवा है। ठीक है, अब ये प्रश्न एक तरह से विश्लेषणात्मक प्रश्न है जिसमें हमें हेडिंग के बजाय इसको पैराग्राफ में लिखने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी चीजें हमें इंक्लूड करनी है हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आपने एक इंट्रोडक्शन छोटा सा लिख दिया, उसके बाद हम आते हैं सबसे पहले कि सेवार्थी और कार्यकर्ता के बीच जो संबंध बनते हैं वही सेवार्थी की सहायता का मूल आधार है। यानी जब तक सेवार्थी और कार्यकर्ता के बीच में अच्छे घनिष्ठ संबंध नहीं बनेंगे तब तक सेवार्थी की सहायता करने में कार्यकर्ता सक्षम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो घनिष्ठ संबंध का मतलब है कि सेवार्थी कार्यकर्ता के ऊपर विश्वास करे, उसकी कही हुई बातों को ध्यान से सुने, जो वो कहता है उसको विश्वास हो कि ये हमारी सहायता कर पाएगा या ये हमारी सहायता निश्चित रूप से करेगा या हमारी समस्या का समाधान निश्चित रूप से करेगा। तो इस तरह का संबंध विकसित होना चाहिए। वो सेवार्थी जो है कार्यकर्ता के ऊपर भरोसा करे कि ये मेरी बातों को लीक नहीं करेगा, इस तरह की चीजें हैं। तो सबसे पहले तो आप ये लिखेंगे कि संबंध सहायता का मूल आधार है, इसी चीज को एक्सप्लेन करेंगे। क्यों? क्योंकि इसी बेसिस पर वो कार्यकर्ता जो है सेवार्थी से तथ्य प्राप्त करेगा। भाई साक्षात्कार में कोई अपनी चीजें तभी बताएगा जब आपके संबंध अच्छे हो। जिसके साथ आपके संबंध अच्छे होते हैं वो आपके बारे में ज्यादातर चीजें जानते हैं, क्लोज फ्रेंड्स जो है आपके बारे में बहुत ज्यादा चीजें जानते हैं। तो जब संबंध अच्छे होंगे तभी वो जानकारी प्राप्त करेगा, संबंध अच्छे होंगे तभी वो सही से विश्लेषण कर पाएगा कि आपकी समस्याओं का कारण क्या है। क्योंकि कारणों के विश्लेषण में भी आपसे बात करने की, वार्तालाप करने की, साक्षात्कार करने की जरूरत पड़ती है। उसके बाद उपचार में भी इन संबंधों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, एक पैराग्राफ में आपने ये बता दिया कि संबंध जो है सहायता का मूल आधार है। फिर आते हैं कि ये संबंध क्या है, व्यवसायिक संबंध है। आपका उसे कोई पर्सनल रिलेशन नहीं बनना है, वो क्या है आपका एक क्लाइंट है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हर एक मरीज से प्यार से बात करता है, उसके लक्षणों के आधार पर उसका उपचार करता है। उसके बाद आप बाहर जाके क्या करते हैं, इससे आपका कोई लेना देना डॉक्टर का नहीं होता है। तो सेम चीज यहाँ पे है, चूंकि इसका स्पेक्ट्रम और ब्रॉड है तो वो आपके इन गतिविधियों को भी इन्वॉल्व करेगा, लेकिन संबंध हमेशा क्या होंगे, व्यावसायिक होंगे। कोई डॉक्टर के पास आप ठीक होने के बाद नहीं जाते हैं और उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, उसे डॉक्टर को मतलब नहीं होता है। तो इसी तरीके से व्यक्तिगत सेवा कार्य में भी कार्यकर्ता सेवार्थी से जो संबंध बनाता है वो व्यावसायिक संबंध होता है। उसके बदले में वो फीस लेता है, और वो संबंध कब तक रहते हैं, तब तक रहते हैं जब तक कि समस्या का समाधान न हो जाए। एक तो पहला केस हो गया कि समस्या समाधान तक, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि सेवा कार्यकर्ता की उतनी एक्सपर्टीज न हो और उसको यह लग जाए कि ये समस्या मेरे से नहीं हो सुलझने वाली। जैसे डॉक्टर क्या करते हैं, केस रेफर कर देते हैं। तो जब यह ज्ञात हो जाए कि समस्या का समाधान नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है मेरे से, उस समय भी ये संबंध क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो संबंध कब तक रहेंगे, व्यावसायिक संबंध है। व्यावसायिक संबंध क्या होते हैं, हमेशा उद्देश्यपूर्ण होते हैं, एक टारगेट के ओरिएंटेड होते हैं। तो यहां पे उद्देश्य क्या है, समस्या का समाधान। अगर आपको यह पता है कि आप समस्या का समाधान कर लेंगे तो जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक सेवार्थी और कार्यकर्ता का संबंध बना रहेगा, या फिर जैसे ही यह ज्ञात होगा कि समस्या का समाधान यहां पे संभव नहीं है तो वो संबंध समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये संबंध दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कल भी हमने चर्चा की थी, वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ संबंध वो होते हैं जो वास्तविक तथ्यों पर आधारित होते हैं। अब यहां पर वास्तविक तथ्य क्या है, कार्यकर्ता की व्यवसायिक दक्षता। यानी वो क्या है, व्यक्ति कार्यकर्ता एक प्रशिक्षण प्राप्त कार्यकर्ता है, उसके पास कुछ कुशलता है, जैसे एक डॉक्टर के पास होती है वैसे ही इसके पास भी होती है। तो
सेवार्थी जो है डॉक्टर के पास जाता है वो ये विश्वास कर जाता है कि इसके पास फला फला डिग्री है, इसे ट्रेनिंग ली है, इसको इस बीमारी का इलाज करने का तरीका पता है। तो जो ये इंफॉर्मेशन है इसको हम लोग कहते हैं वास्तविक तथ्य, कि कार्यकर्ता के विषय में सेवार्थी को ये पता होगा कि वो एक्सपर्ट है इस तरह की समस्याओं के समाधान में, उसकी व्यावसायिक दक्षता पर उसको भरोसा होता है और इस आधार पर वो उसे संबंध बनाता है या उसके पास जाता है अपने इलाज के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया कि जो वास्तविक तथ्यों पर आधारित है कार्यकर्ता की व्यावसायिक दक्षता के बारे में जो इंफॉर्मेशन सेवार्थी के पास है उस पे बेस्ड है। दूसरे प्रकार के संबंध होते हैं व्यक्तिनिष्ठ संबंध। व्यक्तिनिष्ठ संबंध बेसिकली सेवार्थी की भावनाओं पर आधारित होते हैं। अब जैसे कहीं होता है कि आप जाते हैं तो कोई डॉक्टर बहुत अच्छा लगता है आपको, वो कैसा है, बातें बहुत अच्छी करता है, तो आप उसके प्रति भावनात्मक रूप से एक जुड़ाव महसूस करने लगते हैं। ठीक है, तो अब इस जुड़ाव के आधार पर जो संबंध बनता है उसे हम लोग व्यक्तिनिष्ठ संबंध कहते हैं। और वो अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग तरीके से होगा। भाई अगर कोई एमडी डॉक्टर है तो सभी के लिए वो एमडी है, लेकिन कोई उसमें अपने पिता का रूप देखने लग सकता है, ठीक, और कोई जो है उसको डॉक्टर के रूप में ही ट्रीट करेगा। तो इस तरह की जो भावनात्मक संबंध होते हैं उन्हें हम लोग व्यक्तिनिष्ठ संबंध कहते हैं। इसी के बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे अंतरण और प्रतिअंतरण की। ठीक है, इस पर लास्ट ईयर प्रश्न भी पूछा गया था और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अंतरण में क्या होता है, सेवार्थी कार्यकर्ता के प्रति जो भावनाएं महसूस करता है, ठीक है, अपनी पिछली घटनाओं को या पिछले संबंधों को उसे प्रक्षेपित करता है। इसका मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए कार्यकर्ता जो है अगर बड़ी उम्र का है तो सेवार्थी अगर कोई बालक है तो वो कार्यकर्ता में अपने पिता की छवि हो सकता है देखने लगे। तो इस तरह के जो मनोभाव है, पिता की भावना का प्रक्षेपण उस कार्यकर्ता के ऊपर, इसको हम लोग अंतरण कहते हैं। ठीक, इस पे एक कंप्लीट क्वेश्चन पूछा हुआ था लास्ट ईयर, हम लोग इसको आगे डिस्कस करेंगे। प्रतिअंतरण क्या होता है कि जब कार्यकर्ता भी सेवार्थी के इस अंतरण वाली जो एक्शन है या भावना है उसके प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करके उसी प्रकार की फीलिंग महसूस करने लगे तो उस प्रभाव को हम लोग कहते हैं प्रतिअंतरण। इनका अपना महत्व है पर अभी यहां पे उसकी डिटेल में चर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो अंतरण और प्रतिअंतरण ये इस व्यक्तिनिष्ठ संबंधों पर आधारित होते हैं। ठीक, अब आते हैं कि सेवार्थी कर्ता संबंध में विशिष्ट सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है और उन्हीं सिद्धांतों के माध्यम से सेवार्थी और कार्यकर्ता के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित किया जाता है। सिद्धांतों की चर्चा हम लोग आगे कर रहे हैं अभी, तो आप इन्हीं सिद्धांतों को इस एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर देंगे या ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे कि ये सिद्धांत हैं जिनका प्रयोग करके कार्यकर्ता और सेवार्थी के बीच घनिष्ठ संबंधों का स्थापन किया जाता है। ठीक है, इसमें एक और चीज आती है प्रभावी संचार। संबंध तब तक स्थापित नहीं हो सकते जब तक कार्यकर्ता संचार में निपुण न हो। अब प्रभावी संचार के लिए देखिए तीन स्तर पर संचार होते हैं। पहला तो होता है बौद्धिक स्तर पर, दूसरा है सांवेगिक और तीसरा है सांस्कृतिक। मतलब सेवार्थी की जो बौद्धिक स्तर है उस स्तर के हिसाब से, अगर कोई बच्चा है तो उस बच्चे को कैसे समझाना है, उससे कैसे संचार करना है, कोई पढ़ा लिखा प्रबुद्ध व्यक्ति है उसके साथ कैसे करना है, कोई गांव का अनपढ़ व्यक्ति है उसके साथ कैसे करना है, तो बौद्धिक स्तर पर यह संचार हो गया। यानी कार्यकर्ता इन तीनों स्तरों पर संचार करने में सक्षम होना चाहिए। अब सांवेगिक की बात करते हैं कि भावनात्मक रूप से कोई लोग, कई व्यक्ति जो होते हैं वो बहुत ही अनस्टेबल होते हैं, बहुत ही भावुक होते हैं, कुछ लोग जो है को अपने भावनाओं के ऊपर नियंत्रण होता है। तो जिस तरह का सेवार्थी है भावनात्मक रूप से या सांवेगिक रूप से उसी प्रकार का संचार कार्यकर्ता को करना पड़ता है। और सांस्कृतिक, अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोग होंगे, जैसे अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र की महिला है उससे आपको संचार करना है तो कुछ खास बातों का ध्यान रखना पड़ता है, किसी मुस्लिम समुदाय की महिला से बात करते हैं तो उनके यहाँ कुछ अपनी मान्यताएं हैं जिनको कि आपको ध्यान में रखते हुए चर्चा करनी पड़ती है, संचार करना पड़ता है। तो सांस्कृतिक तथ्यों का भी, सांस्कृतिक स्तर पर भी संचार करने की क्षमता कार्यकर्ता में होगी, तभी उसके संबंध जो है प्रभावी होंगे और उसके उपचार में सहायता करेंगे। अब नेक्स्ट आता है कि जो संबंध है वो व्यक्तिक सेवा कार्य की प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब हम बता रहे हैं कि प्रक्रिया जो है हमने कई बार डिस्कस की है और इस प्रक्रिया को बार बार आप यूज करेंगे अलग अलग क्वेश्चंस में, क्योंकि इसी प्रक्रिया के माध्यम से
सेवार्थी की सहायता की जाती है। तो जहां भी क्वेश्चन इस तरह के विश्लेषणात्मक प्रश्न आते हैं, वहां पे अगर इस प्रक्रिया को इंक्लूड करने की जरूरत पड़ती है, आपको लगता है, तो आप उस प्रक्रिया को वहां पे इंक्लूड कर सकते हैं। तो अब अध्ययन के बारे में पूछ रहा है, संबंधों के बारे में पूछ रहा है, तो संबंध जो है प्रत्येक स्तर पर महत्वपूर्ण होते हैं। अब अगर अध्ययन करना है, मनोसामाजिक अध्ययन में कैसे महत्वपूर्ण होते हैं, तो अब इसको हम समझते हैं कि अगर किसी के बारे में आपको तथ्य जानने हैं, जब तक आप उसके बारे में तथ्य नहीं जानेंगे, तब तक आप उसके बारे में एनालिसिस नहीं कर पाएंगे और तब तक उसका प्रभावी उपचार नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर किसी का संबंध घनिष्ठ नहीं है, तो वो कई सारी क्लोज इन्फॉर्मेशन जो है आपको नहीं बताएगा। जैसे विवाहेतर संबंध से संबंधित अगर कोई समस्या है या पारिवारिक समस्या कोई है, तो लोग अपने परिवार की बातें इतनी आसानी से किसी से चर्चा नहीं करते हैं, या किसी का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो उसके बारे में वो डिटेल में चर्चा नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें, और कई बार ये चीजें सहायता के लिए बहुत ही अनिवार्य होती हैं। तो अब सहायता करनी है तो तथ्य जानने होंगे, तो तथ्य जानने के लिए आपका संबंध सेवार्थी के साथ क्या होना चाहिए, घनिष्ठ संबंध होना चाहिए, वो आपके साथ कंफर्टेबल फील करे। अब इन संबंधों को कैसे बनाते हैं, ये सिद्धांतों में हम लोग चर्चा करेंगे। भाई गोपनीयता का सिद्धांत जैसे एक है कि सेवार्थी को ये लगना चाहिए कि आप उसकी बातों को क्या करेंगे, गोपनीय रखेंगे। जिस चीज को वो खुद गोपनीय रखना चाहता है, आप भी उस बात को गोपनीय रखेंगे, किसी से शेयर नहीं करेंगे। तो अध्ययन के लिए भी संबंध जो है, घनिष्ठ संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। निदान एवं मूल्यांकन के लिए, भाई दूसरा चरण है निदान एवं मूल्यांकन का, तो इसके लिए भी आप संबंध जो है अनिवार्य है, निदान एवं मूल्यांकन के लिए भी अनिवार्य है। अब यहां पे क्या है, निदान में क्या होता है, आप कारणों का विश्लेषण करते हैं। तो यहां पे अगर आपके संबंध व्यावसायिक नहीं है, आप भावुक संबंध स्थापित कर लेते हैं, तो उस संबंध में आप कारणों का विश्लेषण सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। अब इसका एक छोटा एग्जाम्पल देखिए कि अगर एक पिता को किसी अपनी ही पुत्री का ऑपरेशन करना हो, तो उसके संबंध व्यावसायिक अगर नहीं है, भावुक हो गया वो, तो वो सही ढंग से उसका इलाज नहीं कर पाएगा। तो उसी तरीके से यहां पे भी क्या है, निदान के लिए, कारणों के विश्लेषण के लिए आपकी भावनाएं आड़े नहीं आनी चाहिए। आपका जो प्रशिक्षित ज्ञान है, ये जो प्रशिक्षण से आपने ज्ञान प्राप्त किया है, उसी ज्ञान का उपयोग करके आप उसका विश्लेषण करेंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। तो निदान एवं मूल्यांकन में भी व्यावसायिक संबंधों का होना अनिवार्य है, तभी आप प्रभावी निदान कर पाएंगे। उसके बाद उपचार में, उपचार की विभिन्न प्रविधियों के बारे में हमने पढ़ा था, उसमें कई सारी प्रविधियां, जैसे साक्षात्कार की प्रविधि है, परामर्श की प्रविधि है, आलंबन की प्रविधि है, स्पष्टीकरण है, व्याख्या है, प्राख्या है, तो ये सारी चीजें हमने चर्चा की है। तो इन सभी चीजें, आप परामर्श ही दे रहे हैं, तो आपका परामर्श वो क्यों मानेगा, वो तभी मानेगा जब आपसे उसके संबंध क्या हो, घनिष्ठ हो, तभी आपकी बातों को ध्यान से सुनेगा। तो घनिष्ठ संबंध के लिए आप भी उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, तभी घनिष्ठ संबंध स्थापित होते हैं। अब घनिष्ठ संबंध होने पर ही वो आपके जो परामर्श दे रहे हैं उन चीजों को ठीक से फॉलो करेगा, और तभी आप उसका प्रभावी उपचार कर पाएंगे। तो एक पैराग्राफ में आपने प्रक्रिया के तीनों चरणों का विश्लेषण कर दिया कि क्यों हर चरण पे या किस प्रकार से प्रत्येक चरण पे व्यावसायिक संबंधों का होना या घनिष्ठ संबंधों का होना अनिवार्य है। ठीक है, अब संबंधों का प्रभाव क्या पड़ता है, संबंधों का प्रभाव वही पड़ता है जो उपचार का प्रभाव पड़ता है। इससे क्या होगा, संबंध ही उपचार का साधन है, ये चीज ध्यान रखिए कि संबंध ही उपचार का साधन है। इसके माध्यम से सेवार्थी की भावनाओं में परिवर्तन आप कर सकते हैं। ठीक है, भावनाओं में परिवर्तन कैसे होता है, कि संबंध अच्छे होंगे तो उसकी भावनाओं की अभिव्यक्ति जो है वो खुल के होगी। तो कई आपने देखा होगा कि जब भावनाओं की अभिव्यक्ति आदमी कर लेता है तो कुछ शांत होता है। अगर गुस्से में है कोई और उसने अपनी भड़ास निकाल ली, तो वो उसकी भावनाएं थोड़ी शांत हो जाती हैं, तो उसकी भावनाओं में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। तो अब उसकी भड़ास निकल गई तो वो थोड़ा कूल माइंड होकर सोचना शुरू करेगा। तो इसी प्रकार से उसकी भावनाओं में परिवर्तन होता है, और वो तभी होगा जब आपके घनिष्ठ संबंध होंगे, तभी वो भावनाओं की अभिव्यक्ति सही ढंग से करेगा और तब उसकी भावनाओं में परिवर्तन होगा। इसी प्रकार उसके प्रत्यक्षीकरण में परिवर्तन होता है। प्रत्यक्षीकरण मतलब वो किसी चीज को किस रूप में देखता है, समस्या को किस रूप में वो विजुलाइज करता है, अपनी अक्षमता जाहिर करता है कि भाई मैं कर ही नहीं सकता। तो आप उसको समझाते हैं, परामर्श देते हैं, लेकिन उसके लिए आपका व्यावसायिक संबंध घनिष्ठ होना चाहिए, तभी वो आपकी बातों को ध्यान से सुनेगा और उसके प्रत्यक्षीकरण में परिवर्तन होगा। इसी तरीके से उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। ठीक है, आपकी बातों को ध्यान से सुनेगा, वो आपसे घनिष्ठ संबंध हो गए, तभी वो उसके व्यवहार में भी आप परिवर्तन कर पाएंगे। तो इस प्रकार से इन तमाम मुद्दों को इंक्लूड करते हुए आप इस आंसर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है,
अब आते हैं अगले प्रश्न पे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वैयक्तिक सेवा कार्य के सिद्धांत। तो कई बार प्रश्न डायरेक्टली ऐसे पूछा जाता है कि वैयक्तिक सेवा कार्य के सिद्धांत बताइए। और अब चूंकि 15-15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है, आपसे 4 या 5 सिद्धांत ही आप डिस्क्राइब कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 6 सिद्धांतों की चर्चा कर रहे हैं, बाकी और भी सिद्धांत हैं, लेकिन ये सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। दूसरी चीज की कई बार जो कहते हैं कि सेवार्थी कर्ता संबंधों के निर्देशक सिद्धांत, यानी ये वो सिद्धांत है जो सेवार्थी और कर्ता के संबंधों को निर्देशित करते हैं, निर्धारित करते हैं। तो कई बार प्रश्न डायरेक्टली पूछता है वैयक्तिक सेवा कार्य के सिद्धांत या सेवार्थी कर्ता संबंधों के निर्देशक सिद्धांत, तो दोनों का मतलब सेम है, आपको वही सिद्धांत लिखने हैं, चाहे वैयक्तिक सेवा कार्य के सिद्धांत या सेवार्थी कर्ता संबंधों के सिद्धांत। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आप यहां पे लिख लेंगे कि भाई सिद्धांत क्या होते हैं। सिद्धांत वो होते हैं जो कार्यकर्ता को उसके व्यावसायिक रूप से सहायता प्रदान करने में मार्गदर्शन करते हैं। ठीक, तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब वैयक्तिक सेवा कार्य में आप चाहें तो सिद्धांतों के कुछ नाम गिना सकते हैं, और उसके बाद एक एक करके 4 या 5 सिद्धांत जो भी आपको लिखना हो उनको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो एक एक करके यहाँ पे हेडिंग देके लिख सकते हैं आसानी से। स्वीकृति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस। देखिए, सबसे पहले तो ये स्वीकृति का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, और ये सिर्फ वैयक्तिक सेवा कार्य में ही नहीं, आगे जो अलग मेथड्स हम लोग पढ़ेंगे, समूह कार्य, सामुदायिक संगठन, उन सभी में स्वीकृति का सिद्धांत समान रूप से लागू होता है। ठीक है, इसीलिए अब देखिए ये जो सिद्धांत हैं यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, आगे जब समूह कार्य पढ़ेंगे तो वहां भी इन सिद्धांतों में से कई सारे सिद्धांत वहां पर रिपीट होंगे, बस उनका कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, वो समूह कार्य के संदर्भ में हो जाएंगे या सामुदायिक संगठन के संदर्भ में हो जाएंगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम सिद्धांतों को ज्यादा डिटेल में कर रहे हैं, वहां पे हम ब्रीफली भी कर देंगे कि ये सिद्धांत हम पीछे पढ़ चुके हैं, इसको बस समूह कार्य के संदर्भ में कैसे लिखना है वो चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्वीकृति का सिद्धांत क्या कहता है कि आप सेवार्थी को जैसा सेवार्थी है उसी रूप में एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, अब स्वीकृति का सिद्धांत मानवतावाद की अवधारणा से प्रेरित है। यहां पे एक महत्वपूर्ण कोटेशन गांधी जी का लिख सकते हैं कि ये पाप से घृणा करो पापी से नहीं के सिद्धांत पर आधारित है। मतलब अगर कोई बाल अपराधी है तो आप इस वजह से उससे घृणा नहीं करेंगे कि उसने अपराध किया है, बल्कि हो सकता है उसके अपराध का क्या कारण हो, तो आप उसको एक सेवार्थी के रूप में ही ट्रीट करेंगे। ठीक है, अब जो जैसा है उसको उसी रूप में एक्सेप्ट करना है, उसमें अपनी कोई मान्यताएं, कोई पूर्वाग्रह लागू नहीं करना है। उदाहरण के लिए मान लीजिए विवाहेतर संबंध है, सामान्य रूप से समाज में इन संबंधों को गलत माना जाता है, आपकी या सेवार्थी की भी ये मनोभाव हो सकते हैं। तो अब अगर कोई विवाहेतर संबंध से पीड़ित दंपति है, उसकी सहायता आप करने जाते हैं, तो पुरुष को या महिला को जिसके भी विवाहेतर संबंध है उस वजह से आप घृणा नहीं करेंगे। ठीक है, उसको अपने एक क्लाइंट के रूप में ही ट्रीट करेंगे, उससे कोई किसी तरह की अपनी नैतिक या नैतिक पूर्वाग्रह का प्रयोग वहां पे नहीं करेंगे, उसको अलग रखेंगे और जो जैसा जिस रूप में है उसको उसी रूप में स्वीकार करेंगे। मतलब इसके कहने का तात्पर्य यह है कि आप हमेशा उसको एक मरीज के रूप में, एक सेवार्थी के रूप में ही ट्रीट करेंगे, उसके किसी भी कारणों की वजह से आप उससे घृणा नहीं करेंगे या उसको उसके प्रति कोई दुर्भाव नहीं रखेंगे। ठीक है, तो स्वीकृति का सिद्धांत जो है वो घनिष्ठ संबंधों के विकास हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक आप किसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अगर मान लीजिए फ्रेंडशिप में ही, आपकी फ्रेंडशिप कब घनिष्ठ होती है, जब अपने दोस्त के अच्छी बुरी आदतों को आप स्वीकार कर लेते हैं। अब अगर आप हमेशा टोका टकपी करते रहे कि नहीं तुम सिगरेट पीते हो, तुम सिगरेट पीते हो, तो उससे आपकी दोस्ती फिर अच्छी नहीं हो पाएगी। तो दोस्ती अच्छी होने के लिए या संबंध अच्छे होने के लिए क्या करना होता है, घनिष्ठ संबंध के विकास के लिए आपको उसकी अच्छी बुरी सभी चीजों को जो जैसी है वो इसी रूप में स्वीकार करना होता है। जाहिर सी बात है कि आप उसे परिवर्तन लाना चाहते हैं, लेकिन परिवर्तन लाने के लिए भी पहले उस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप मानते हैं कि उसके अंदर ये कमी है, ये समस्या है, लेकिन उस समस्या के लिए वो जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज, समाज कार्य जो है व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता को महत्व देता है, उसकी क्षमता पर विश्वास करता है। तो स्वीकृति के सिद्धांत में यह फैक्टर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता पर भरोसा रखना। ठीक, अब आप कैसे स्वीकृति का सिद्धांत में और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे आदर, सम्मान, व्यक्ति की महत्व, जो मैंने बताया कि उसकी अंतर्निहित क्षमता को वो महत्व देता है। व्यक्ति का जब आप आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, उसकी बातों को ध्यान सुनेंगे, तो इसका मतलब आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और तभी संबंध आपके घनिष्ठ हो पाएंगे। तो स्वीकृति के सिद्धांत में आप इन इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे, इलेबोरेट करेंगे। उदाहरण के लिए आप
या इनमें से कोई भी एक उदाहरण ले सकते हैं। नेक्स्ट है आत्मनिर्णय के अधिकार का सिद्धांत। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है और ये मोर और लेस बाकी सारे मेथड्स में भी सिमिलर वे में अप्लाई हो जाता है। ठीक है, आत्मनिर्णय के अधिकार का सिद्धांत, तो यहां पे आप चाहे तो लिख सकते हैं सेवार्थी के आत्मनिर्णय के अधिकार का सिद्धांत, सेवार्थी के आत्मनिर्णय के अधिकार का सिद्धांत। मतलब कि आप सेवार्थी को जो ट्रीटमेंट देने जा रहे हैं, जो भी चीजें उसके ऊपर अप्लाई करने जा रहे हैं, उन सभी के लिए सेवार्थी की स्वीकृति आवश्यक है। उस पूरी प्रक्रिया के दौरान सेवार्थी का निर्णय जो है वो महत्वपूर्ण है। और अल्टीमेटली आप क्या करते हैं, सेवार्थी के अंदर निर्णय लेने की क्षमता का ही विकास करते हैं। तो इस विकास के लिए भी उस पूरी प्रक्रिया में उसकी सहभागिता जरूरी है। और सहभागिता का मतलब कि वो डिसीजन खुद ले, आप उसको डिसीजन लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, आप अपने परामर्श के माध्यम से, अपने तकनीकी और प्राविधिक कुशलता के माध्यम से, लेकिन अल्टीमेटली जो निर्णय होगा वो उसी का होगा। आप बस उसको क्या करेंगे, गाइड करेंगे कि हाँ ये निर्णय लोगे तो ये इसका परिणाम हो सकता है, ये निर्णय लेंगे तो इसका ये प्रभाव हो सकता है। तो आप सभी चीजों को बता के निर्णय लेने के क्रम में उसको प्राथमिकता देंगे कि वही निर्णय ले। लेकिन इस आत्मनिर्णय के अधिकार के सिद्धांत का भी जो है कुछ सीमित प्रतिबंध इसके ऊपर लागू होते हैं। अगर आप देखें तो स्वीकृति के सिद्धांत से ये कोरिलेट कर सकते हैं कि आत्मनिर्णय के अधिकार का सिद्धांत क्या है, स्वीकृति के सिद्धांत से संबद्ध है। स्वीकृति सिद्धांत से कैसे संबद्ध है, कि व्यक्ति की महत्ता को आप स्वीकार करते हैं, तो व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता को अगर आप मानते हैं तो उसकी क्षमता मानने का मतलब कि उसके निर्णय लेने की क्षमता पर भी आपको भरोसा है, आप स्वीकार करते हैं कि वो निर्णय ले पाएगा। तो इस तरह से स्वीकृति के सिद्धांत से भी इसको संबद्ध कर सकते हैं। आत्मनिर्णय के अधिकार के सिद्धांत में कुछ सीमित प्रतिबंध भी होते हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई मानसिक रूप से मंदित बालक है तो वो अपने सभी डिसीजन खुद से नहीं ले सकता है। ठीक है, तो कई सारे ऐसे निर्णय होंगे जो आपको खुद करने पड़ते हैं। इसी प्रकार भारतीय समाज में बच्चों की परवरिश इस तरह से होती है कि उसके सारे निर्णय माता पिता ही लेते हैं, तो अपना निर्णय लेने में कई बार ऐसे बालक जो है वो सक्षम नहीं हो पाते और वो पूरी तरह से कार्यकर्ता पर निर्भर हो जाते हैं। तो यहां पे सावधानी बरतनी होती है भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर विशेष रूप से देखा जाए तो, कि आप निर्णय लेने के लिए उसको प्रोत्साहित करें। मंदित बालक के केस में आपको कई सारे निर्णय खुद लेने पड़ेंगे, तो ये सीमित प्रतिबंध हो गया। या कई सारे ऐसे डिसीजन होंगे जो आप लेने से उसको रोक सकते हैं। ठीक है, तो संबंधों में इसको कहते हैं प्राधिकार का प्रयोग। ऐसे ही अगर कोई अपराधी है, कोई कैदी है, वो बेचारा जेल में बंद है, तो कई सारे स्वतंत्रताएं उसको नहीं मिली होती हैं एज पर लॉ, कानून के हिसाब से। अब वो कहे कि नहीं मुझे जाना है, तो आप उसको जाने नहीं दे सकते, या उसको कुछ इन्फॉर्मेशन वो चाहता है कि हमें ये चाहिए, तो आप उसको वो इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। तो आत्मनिर्णय का अधिकार सिद्धांत पर ये सीमित प्रतिबंध है जिसको आप उदाहरण के रूप में यहां पे मेंशन कर सकते हैं। अगला आता है गोपनीयता का सिद्धांत। गोपनीयता का सिद्धांत भी घनिष्ठ संबंधों के निर्धारण में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसका महत्व आप अपने आप भी समझते होंगे कि आप किससे अपनी बात शेयर करते हैं। अगर कोई सीक्रेट बात है तो आप किससे शेयर करना पसंद करेंगे, उसी से शेयर करेंगे जो उस बात को किसी और को न बताए। अब अगर कोई ऐसा आदमी हो जो ढोल पीटता फिरे आपकी बात का, तो उससे आप अपनी सीक्रेट बातें कभी नहीं बताएंगे। तो ये सिद्धांत घनिष्ठ संबंधों के निर्धारण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक सेवार्थी को यह विश्वास नहीं होगा कि आप उसकी बातों को गोपनीय रखेंगे, तब तक वो इस तरह की महत्वपूर्ण सूचनाएं आपसे शेयर नहीं करेगा। ठीक, तो सबसे पहले आप गोपनीयता के सिद्धांत के अंतर्गत क्या होता है कि आप जो सेवार्थी का साक्षात्कार करें वो ऐसे स्थान पर करें जहां पर और कोई ना हो। मतलब कहते हैं ना, जैसे डॉक्टर भी क्या करता है, पेशेंट और डॉक्टर के बीच की प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए बाकी लोगों को बाहर भेज देता है, अपने केबिन में वो और दोनों अकेले होते हैं। तो आपको साक्षात्कार के लिए जो अरेंजमेंट करना होगा वो इसी प्रकार का करना होगा कि आप दोनों ही हो, सेवार्थी को यह भरोसा है कि उसकी बात कोई और तीसरा नहीं सुन रहा है। ठीक है, इसके बाद गोपनीयता के सिद्धांत के अंतर्गत कुछ फैक्टर्स हैं कि सबसे पहले तो आप सेवार्थी से केवल वही सूचनाएं मांगेंगे जो उसके उपचार में आवश्यक है, कोई भी अननेसेसरी सूचनाएं आप उससे नहीं मांगेंगे। ठीक, उसके बाद दूसरी चीज है कि बिना उसकी इच्छा के उससे संबंधित जो तथ्य हैं, जो सूचनाएं हैं, वो आप किसी और के साथ साझा नहीं करेंगे। कई बार क्या होता है, सेवार्थी को सहायता देने की प्रक्रिया में एक के बजाय कई सारे कार्यकर्ताओं की, कई सारे एक्सपर्ट की जरूरत पड़ जाती है। कई बार जैसे मान लीजिए चिकित्सकीय समाज कार्य में है, आप किसी मंदित बालक का इलाज कर रहे हैं, तो उसको कुछ मेडिकेशन की भी जरूरत पड़ती है, कुछ साइकेट्रिस्ट की भी जरूरत पड़ती है, कुछ अवसाद के मरीज हैं तो उनको दवा की भी जरूरत पड़ती है। तो
उनकी सहायता, आपको अलग अलग लोगों की सहायता लेनी पड़ती है। एक संस्था के अंतर्गत कई सारे एक्सपर्ट हो सकते हैं, जिसमें से एक व्यक्ति कार्यकर्ता भी होता है। तो वो अब किसी अन्य की सहायता लेगा, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, उसको सूचना देनी पड़ेगी कि भाई ये तथ्य हैं इसके बारे में। तो बिना सेवार्थी की मर्जी के, यहां पे भी आप देखो, आप आत्मनिर्णय के अधिकार के सिद्धांत से उसको क्या कर सकते हो, संबद्ध कर सकते हो कि यहां पे सेवार्थी का ही निर्णय होगा कि ये सूचना शेयर करनी है, उसको आप प्री इन्फॉर्म करेंगे, तो ये आत्मनिर्णय के सिद्धांत से संबद्ध होता है। ठीक है, तो बिना उसकी मर्जी के कोई भी सूचना आप किसी अन्य से साझा नहीं करेंगे। अब किसी अन्य से आप साझा करते भी हैं तो केवल वही सूचनाएं साझा करेंगे जो उसके उपचार हेतु आवश्यक है। अब इसमें उदाहरण के रूप में आप ले सकते हैं बलात्कार पीड़ित महिला। बलात्कार पीड़ित महिला के बारे में तो कानूनन भी कई सारी सूचनाएं जो है आप साझा नहीं कर सकते, वो गुप्त रखनी होती है, जैसे कि उसका नाम, पता, ये सब चीजें। तो ये तो कानून के हिसाब से भी हो गया, लेकिन समाज कार्य के हिसाब से भी आपको उसके संबंधित सूचनाएं गोपनीय रखनी पड़ेंगी। और इस बात का न केवल गोपनीय रखना होगा, बल्कि इस बात का उसको विश्वास भी दिलाना होगा कि आपकी सूचनाएं हमारे पास सेफ हैं, कहीं भी लीक नहीं होंगी, मैं किसी और से इस चीज को शेयर नहीं करूंगा। ठीक है, इसमें जैसे पारिवारिक समस्या हमने बताया, विवाहेतर संबंधों की समस्या, तो अपने परिवार के आंतरिक मामलों को भी आदमी चर्चा नहीं करना चाहता है, तो वो तभी करेगा जब वो इस बात का उसको विश्वास हो कि आप उसकी चीजें गोपनीय रखेंगे। तो गोपनीयता घनिष्ठ संबंधों के निर्धारण हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है। अब हम लोग आते हैं व्यक्तिकरण का सिद्धांत। ये भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, और इस पे हम लोग अगले लेक्चर में अलग से एक क्वेश्चन के रूप में भी डिस्कस करेंगे, जो कि थोड़ा अप्लाइड क्वेश्चन होगा या थोड़ा विश्लेषणात्मक प्रश्न होगा। यहां पे हम संक्षिप्त में बस चर्चा कर रहे हैं, उस वहां पे चर्चा को थोड़ा और एक क्वेश्चन के रूप में लिखेंगे। व्यक्तिकरण का सिद्धांत सबसे पहले तो आपको समझना जरूरी है कि ये सिद्धांत भी हर जगह एज इट इज अप्लाई होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखिए कि हर व्यक्ति क्या होता है, अपने आप में यूनिक होता है, अपने आप में अद्वितीय होता है। तो इसका मतलब क्या है, किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसकी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं और उसके आसपास का जो वातावरण है या जो उसका पर्यावरण है उसका फलन होता है। ठीक है, फलन होने का मतलब कि उन चीजों पर निर्भर करता है। तो वो सारी चीजें, उनको उसकी शारीरिक क्षमताएं, उसकी मानसिक क्षमताएं, उसकी सांवेगिक क्षमताएं, उसका वातावरण, ये सभी मिल के व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। अब ये सारे फैक्टर्स हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग होंगे। भाई उसकी आनुवंशिक क्षमता, आनुवंशिक चीजें अलग होंगी, शारीरिक क्षमताएं अलग होंगी, मानसिक क्षमताएं अलग होंगी, उसका पारिवारिक वातावरण अलग होगा। तो अलग अलग व्यक्ति में ये फैक्टर्स अलग अलग होते हैं, इसीलिए हर व्यक्ति अपने आप में क्या होता है, अलग होता है, यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। ठीक है, ये सिद्धांत व्यक्तित्व की विशिष्टता पर बल देता है कि हर व्यक्ति अपने आप में क्या है, विशिष्ट है। अब उदाहरण के लिए आप इसमें चाहें तो उदाहरण दे सकते हैं कि जैसे बाल अपराधी का उदाहरण। अब दो बाल अपराधी हैं, दोनों ने सेम कांड किया है, दोनों ने सेम केस किया है, दोनों ने मर्डर किया हुआ है किसी का, सपोज करिए, और वो सुधार गृह में रखे गए हैं। दोनों की अवस्था भी सेम है, सब कुछ सेम होने के बाद भी क्या वो दोनों सेम सेम बिहेवियर के लिए आप उनके साथ, दोनों के साथ सेम बिहेवियर करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों की पारिवारिक और सामाजिक परिस्थितियां अलग अलग हो सकती हैं। एक हो सकता है कि एक ऐसा बालक हो जो गरीब परिवार का हो, वो गलत संगत में पढ़ के अपराधी बन गया हो। दूसरा बालक ऐसा होता है कि वो बड़े अमीर घर का हो और वो टीवी सीरियल्स और इस तरह के क्राइम से रिलेटेड सीरियल्स देख के मोटिवेट होकर उसने कत्ल कर दिया हो या उसने हत्या कर दी हो। तो दोनों की परिस्थितियां अलग अलग है, तो दोनों के लिए ट्रीटमेंट भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो व्यक्तिकरण का सिद्धांत यही कहता है कि हर एक व्यक्ति को आप यूनिक वे में ट्रीट करते हुए उसके लिए उपचार की अलग प्रविधि अप्लाई करेंगे, उसके तथ्य अलग होंगे, उसका मूल्यांकन अलग तरीके से होगा, और उसके लिए उपचार भी आप विशिष्ट अप्लाई करेंगे। मतलब ये समझिए कि हर आदमी के हिसाब से आपको दवाई बनानी है। ऐसा नहीं कि क्रोसिन लिया, सर दर्द हो रहा है, सभी को दे दिया, जो भी है उसको क्रोसिन दे दिया। हर आदमी के लिए अलग अलग तरीके से आपको दवा बनानी है। आजकल मेडिकल साइंस में भी ये चीज बहुत जोर जोर पकड़ रही है कि इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग दवा तैयार किया जाए। बट समाज का शुरू से इस चीज को, व्यक्ति से अगर शुरू से इस चीज को लेके चल रहा है कि हर व्यक्ति विशिष्ट होता है, इसलिए उसका उपचार भी विशिष्ट तरीके से ही होना चाहिए। ठीक है, कुछ सेट चीजें हम लोग यूज करेंगे, लेकिन उनका व्यक्तिकरण करते जाएंगे। दूसरी चीज व्यक्तिकरण में एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि आपने जैसे इलाज करना शुरू किया, उपचार करना शुरू किया, तो व्यक्ति के अंदर भी परिवर्तन होना शुरू होता है। तो अब जो चीज आपने अभी अप्लाई किया वो बाद में अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन हो गया।
अब ये परिवर्तन भी अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग दर से हो सकता है, किसी में तेजी से परिवर्तन हुआ, किसी में स्लो परिवर्तन हुआ, तो आपको उनके परिवर्तन की दर के हिसाब से मेथोडोलॉजी में अपने चेंज करना पड़ेगा। आप अलग अलग प्रविधियों का प्रयोग करते जाएंगे अलग अलग स्तर पे, ठीक है। तो व्यक्तिकरण का मतलब यही है कि व्यक्ति के हिसाब से सारी प्रक्रिया को बनाना, ठीक है। अब व्यक्तिकरण के लिए आवश्यक क्या है कि आप व्यक्ति को, सेवार्थी को ध्यान से सुने, क्योंकि जब तक आप ध्यान से सुनेंगे नहीं तब तक उसके बारे में विशिष्ट तथ्यों का पता नहीं लगा पाएंगे। भाई नाम, एज, ये सब चीजें सबकी कई लोगों की समान हो सकती हैं, लेकिन जब आप उसको ध्यान से सुनेंगे तो उसके बारे में विशिष्ट तथ्य आपको पता चलेंगे जो उसकी विशिष्टता को इंगित कर रहे होंगे, ठीक है। उसकी अमहत्वपूर्ण बातों को भी महत्व देना, जब आप इसकी अमहत्वपूर्ण बातों को भी महत्व देंगे, जैसे कई सारे कि वो बैठते हुए कैसा बैठ रहा है, आंखें उसकी किधर हैं, बात करते हुए नजरें चुरा के बात कर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिस पर आपको महत्व देना पड़ेगा, ठीक है। और यहां पे भी आप स्वीकृति को अप्लाई करेंगे, क्योंकि आप उसकी व्यक्तित्व की विशिष्टता को स्वीकार कर रहे हैं। व्यक्तिकरण के माध्यम से आप क्या कर रहे हैं, उसके व्यक्तित्व की विशिष्टता को स्वीकृति दे रहे हैं। आप ये नहीं मान रहे हैं कि एक गांव से आने वाले सभी लोग समान होंगे, हर व्यक्ति अलग है, चाहे वो भले ही एक ही घर से आ रहा हो, एक ही परिवार से आ रहा हो, लेकिन वो अलग है। इसलिए आप स्वीकृति के सिद्धांत को भी इसके माध्यम से लागू कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अनिर्णायक मनोवृत्ति का सिद्धांत। अनिर्णायक मनोवृत्ति का सिद्धांत यानी इसको आप कह सकते हैं कि कार्यकर्ता के अनिर्णायक मनोवृत्ति का सिद्धांत। यह सिद्धांत क्या कहता है कि कार्यकर्ता सेवार्थी के प्रति पहले से कोई निर्णय नहीं लेता है, निर्णय लेने में किसी नैतिक पहलू को या अपने नैतिक मानदंडों को, अपने पूर्वाग्रहों को लागू नहीं करता है, अपने पूर्वाग्रहों को आड़े नहीं आने देता है। सेवार्थी कार्यकर्ता का मुख्य उद्देश्य क्या है, उसकी सहायता करना, अब वो चाहे जिस प्रकार से हो। अब वही हमने जो पहले एग्जाम्पल दिया था कि अगर कोई विवाहेतर संबंध वाला व्यक्ति है तो उसके प्रति आप अपने नैतिकता और अपने पूर्वाग्रह के बेसिस पे कोई निर्णय नहीं करेंगे। अगर आपने पहले से निर्णय किया तो आप उसकी सहायता ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी निर्णय जो होगा वो वस्तुनिष्ठ तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, ऐसे तथ्य जिनका आप मूल्यांकन कर सकते हो, ठीक है, और जो उसके व्यक्तित्व के तथ्यों पर आधारित हो, न कि आपकी नैतिकता और आपके पूर्वाग्रह के बेसिस पर। तो आप कोई निर्णय, आपको उसके बारे में कोई निर्णय नहीं लेना है, आप जज नहीं है, आप सिर्फ उसकी सहायता करने वाले व्यक्ति हैं। एक डॉक्टर एक अपराधी को भी का इलाज भी उसी तरीके से करता है जिस प्रकार से एक सामान्य व्यक्ति का इलाज करता है, ठीक है। तो ये चीज व्यक्ति कार्यकर्ता में भी होनी चाहिए, ये इसकी व्यावसायिकता को भी बढ़ाता है, मतलब ये प्रोफेशन के रूप में आवश्यक है। तो नैतिकता से मुक्त, नैतिकता व पूर्वाग्रह से मुक्त होकर आप उसके प्रति कोई डिसीजन लेंगे, पहले से ही कोई निर्णय उसके प्रति नहीं ले लेंगे, ठीक है। तो ये कहता है अनिर्णायक मनोवृत्ति का सिद्धांत, मतलब कुछ भी आप करेंगे जो तथ्य आपके सामने आ रहे हैं वास्तव में उनके बेसिस पे करेंगे, न कि अपने मनोभावों के बेसिस पे, अपने नैतिकता के बेसिस पे, अपने पूर्वाग्रह के बेसिस पे। ऐसे ही है आत्मचेतना का सिद्धांत। आत्मचेतना देना मतलब कार्यकर्ता जो है सेवार्थी की सहायता करता है, तो कार्यकर्ता भी क्या है, एक इंसान है, उसकी भी अपनी भावनाएं हो सकती हैं। तो आत्मचेतना का सिद्धांत यह कहता है कि कार्यकर्ता को अपने भावनाओं की समझ होनी चाहिए और उन पर नियंत्रण स्थापित करने की, उन पर नियंत्रण करने की क्षमता होनी चाहिए। अब इसका उदाहरण आप जैसे एक दे सकते हैं कि अगर सपोज करिए कि दो किसी दंपति के बीच में तनाव की समस्या है और एक कार्यकर्ता के रूप में आप उनकी सहायता कर रहे हैं, पति पत्नी के बीच में तनाव है। अब ये थोड़ा फनी हो सकता है लेकिन ऐसा हो चुका है कि कार्यकर्ता जो है सेवार्थी की सहायता कर रहा था पति पत्नी की, और उसके मनोभाव उमड़ने लगे और वो पत्नी की तरफ आकर्षित हो गया। अब एक समस्या का समाधान करने आए थे वो लोग और वो दूसरी समस्या शुरू हो गई कि उनका अफेयर शुरू हो गया। तो अब एक कार्यकर्ता के रूप में आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण होना चाहिए, अपनी भावनाओं की समझ होनी चाहिए और साथ ही साथ उन पर नियंत्रण होना भी आवश्यक है, ठीक है। तो ये 6 सिद्धांत हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। इसके अलावा कुछ सिद्धांत है जैसे व्यवहार, उद्देश्यपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत या भावनाओं के उद्देश्यपूर्ण प्रकटन का सिद्धांत, यानी कि सेवार्थी की जो हर भावनाएं हैं वो किसी न किसी उद्देश्य के साथ होती हैं, जो भावनाएं व्यक्त करता है उनके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है, उसके हर व्यवहार का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। इसी प्रकार संचार का सिद्धांत, तो संचार में 3 तरह के संचार होंगे, हमने पहले डिस्कस किया था, बौद्धिक संचार, सांवेगिक संचार और सांस्कृतिक स्तर पर संचार। तो इन सिद्धांतों को भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगली क्लास में हम लोग
कुछ अप्लाइड क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे, कुछ विश्लेषणात्मक प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, और फिर एक लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आ जाए कि सेवार्थी की सहायता करने में कार्यकर्ता की भूमिका से संबंधित प्रश्न, इस तरह के प्रश्न अक्सर प्रथम प्रश्न में तो पूछे ही जा सकते हैं, सेकंड पेपर में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो हम लोग अलग अलग जब समस्याएं करेंगे तब तो इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन एक फ्रेमवर्क में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन को एक सामान्य तरीके से लिखा जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।